स्टूडेंट्स, आई एम पूर्णिमा योर जीके टीचर एंड फॉर टुडेज क्लास थर्ड जीके वी विल डिस्कस अबाउट रिड्यूस रीयूज और रीसाइकल। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। फर्स्ट रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कि जो चीज खत्म हो जाए, अगर हम किसी चीज को यूज करते हैं या कोई ऐसी चीज है हमारे सामने वो अगर हम यूज करते हैं या कुछ और भी करते हैं उसके साथ तो क्या होता है, खत्म हो जाए। रीयूज का मतलब होता है कि हम किसी चीज को बार बार यूज कर सकते हैं, जो चीज जैसी है उसी कंडीशन में हम उसे रीयूज कर सकते हैं, बहुत बार यूज कर सकते हैं। रीसाइकलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है हमने उसे यूज किया है उसके बाद After that, we can recycle this thing in a process. हम किसी भी एक process के थ्रू उस thing को एक नया रूप दे सकते हैं, एक process के थ्रू हम उससे एक नई चीज बना सकते हैं, फिर हम उस नई चीज को use कर सकते हैं। That is called recycling. किसी used की हुई चीज को एक process के थ्रू नया बनाना या फिर नई चीज बनाना जो प्रोसेस है वो रिसाइकल कहलाता है। सो हियर इज समथिंग, यहाँ पर कुछ आपके सामने बहुत ही अलग अलग टाइप की थिंग्स हैं। ऑल दीज आर यूज और नॉन यूज, सो यू हैव टू लुक एट पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स। आपको इन पिक्चर को देखना है और इन थिंग्स को आइडेंटिफाई करके इनको पार्ट करना है, इस इन सर्कल्स में आपको कलर करना है। दैट द थिंग इज रिड्यूस्ड, रीयूजेबल और रिसाइकलेबल। जो ये चीजें हैं वो यूज करने के बाद खत्म हो जाती है या फिर हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं या फिर उन्हें रीसाइकिल कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू कलर दीज सर्कल्स विद रेड ग्रीन और ब्लू कलर। ग्रीन फॉर रिड्यूस, रेड फॉर रीयूज एंड ब्लू फॉर रीसाइकिल। सो यू हैव टू सी दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दैट इट इज रीयूजेबल, रिड्यूस्ड और रीसाइकलेबल थिंग। देन यू हैव टू फिल दीज सर्कल्स, आपको इन सर्कल्स को कलर फिल करना है इन थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, ये रीयूजेबल है, रिसाइकलेबल है या फिर रिड्यूसेबल है। सो फर्स्ट ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास कैसा होता है, रिड्यूस होता है, रीयूजेबल होता है या रिसाइकलेबल होता है। सो ब्रोकन ग्लास इज रीयूजेबल, सो यू विल फिल दिस विद रेड कलर। आप इस सर्कल को रेड कलर से फिल करोगे, जो ब्रोकन ग्लास है हम उसे रीयूज कर सकते हैं, उसे किसी भी डेकोरेटिव थिंग से हम रीयूज कर सकते हैं। आप लोगों ने काफी जगह देखा होगा बहुत ही डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, उसमें क्या होता है जो छोटे छोटे टूटे हुए कांच के टुकड़े लगाकर उसे एक डेकोरेटिव चीज बनाई जाती है। देन द सेकंड थिंग इज कटिंग ट्री, ट्री कट करने से वो ट्री वापस होना ना तो नया बनता है और ना ही उसे हम वैसा ही देख सकते हैं। अगर कोई ट्री हमने कट कर दिया है वहां पर वो नया वापस नहीं बनेगा, वो वापस वहां पर खड़ा नहीं होगा और उस कटे हुए ट्री से हम वापस नया ट्री भी नहीं बना सकते। सो इट इज रिड्यूस्ड, यू कैन यू हैव टू फिल दिस सर्कल विद ग्रीन कलर। ये रिड्यूस थिंग है, इसे हम ग्रीन कलर से फिल करेंगे। आपको इसे रिसाइकलेबल है तो ब्लू कलर से फिल
टूल्स आप लोगों ने काफी जगह यूज किए होंगे, देखे होंगे, जो क्या होते हैं हम यूज करने के बाद से डिस्पोज कर देते हैं. सो प्लास्टिक स्पून्स आर नॉट रीयूजेबल और रीसाइक्लेबल. जो प्लास्टिक स्पून होते हैं उन्हें हमें वन टाइम यूज करना चाहिए, वापस यूज नहीं करना चाहिए, और ना ही उससे हम कोई नई चीज बना सकते हैं. सो प्लास्टिक स्पून्स आर रीयूजेबल. सो प्लास्टिक स्पून यूज करने के बाद क्या होता है, वो वापस रीयूज नहीं हो सकते हैं, उन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, तो हम उसे ग्रीन कलर से फिल करेंगे बिकॉज दिस इज रिड्यूस. द नेक्स्ट वन इज कार्डबोर्ड बॉक्स. कार्डबोर्ड बॉक्स आप लोगों ने अपने घर में देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है. यू हैव यू नो ऑल दीज ऑल द न्यू थिंग्स आर पेन इन कार्डबोर्ड बॉक्स. हम कभी भी कोई भी नई चीज घर में लेकर आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हमको एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक किया होगा है. ऑल टेलीविजन रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल द इलेक्ट्रिक आइटम्स आल्सो पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड सम फूड आइटम्स आल्सो पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. सो कार्डबोर्ड बॉक्स आर रीयूजेबल. हम उसे एज इट इज वापस यूज कर सकते हैं टू पैक समथिंग, टू फिल एंड स्टोर. हम उसमें कोई भी चीज पैक करके उस कार्डबोर्ड बॉक्स को वापस रीयूज कर सकते हैं. द कार्डबोर्ड बॉक्स इज रीयूजेबल. सो यू विल फिल दिस विद रेड कलर. आप इसे रेड कलर से फिल करेंगे बिकॉज कार्डबोर्ड बॉक्स इज रीयूजेबल. उसे हम वापस रीयूज कर सकते हैं. कार्डबोर्ड बॉक्स से क्या कर सकते हैं, हम वापस रीयूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज मोबाइल फोन. मोबाइल फोन आप लोगों ने सबने देखे हैं, यूज किए हैं, आप सबके पास होते भी हैं घर में किसी न किसी के पास. सो मोबाइल फोन आर रिसाइकलेबल. मोबाइल फोन नष्ट नहीं होते, रिड्यूस नहीं होते हैं, रीयूज भी नहीं हो सकते. अगर कोई मोबाइल फोन में कोई डिफॉल्ट डिफिकल्टीज हो जाती है या वो किसी तरीके से खराब हो जाता है तो उसे हम एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते, बट इट इज रिसाइकलेबल. इसे रिसाइकिल करके इसके कुछ पार्ट्स को लेकर हम कोई नई चीज बना सकते हैं. सो इट इज रिसाइकलेबल. यू हैव टू फिल दिस विद ब्लू कलर. आपको इसे किससे करना है, ब्लू कलर से इस सर्कल को फिल करना है. नेक्स्ट वन इज फूड लेफ्ट ओवर्स. फूड लेफ्ट ओवर्स खाना खाने के बाद जो बीच के पीछे कचरा बनता है, या फिर हम वेजिटेबल्स बनाते हैं तो वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं वो सारा क्या फूड लेफ्ट ओवर है. उस फूड लेफ्ट ओवर को हम रीयूज तो नहीं कर सकते, हम पील्स वापस यूज नहीं करते हैं, और अगर कुछ बचता है उसे भी हम वापस यूज तो नहीं कर सकते. सो इट इज रिड्यूस. फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, ऑल आर रिड्यूसेबल थिंग्स. वो सारी नष्ट होने वाली चीजें हैं, उन्हें हम ना रीयूज कर सकते हैं ना रिसाइकल कर सकते हैं. सो यू विल फिल दिस विद ग्रीन कलर. आपको इसे ग्रीन कलर से फिल करना है. द नेक्स्ट वन इज स्विचिंग ऑल लाइट्स ऑन. सारी लाइट्स ऑन करने से क्या होता है, स्विचिंग ऑल लाइट्स ऑन कैन बी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी नष्ट होती है, उससे हम सारी लाइट्स ऑन रखते हैं तो क्या होता है, बिजली खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस होती है. सो इट इज रिड्यूसेबल, रिड्यूस. सो वी विल फिल दिस विद ग्रीन कलर. आपको इसे किससे करना है, ग्रीन कलर से फिल करना है. देन द नेक्स्ट वन इज ग्लास जार. ग्लास जार आप लोगों ने सबने देखा होगा, आपके घर में होते भी है. ग्लास जार क्या होता है, ग्लास जार को हम रीयूज कर सकते हैं. उसमें कोई पुरानी चीज है अगर वो खाली हो गया है, ग्लास जार एम्प्टी है, देन यू कैन रीयूज दिस विद फिल दिस. आप उसको फिल करके रीयूज कर सकते हो. सो इट इज रीयूजेबल. वी कैन फिल दिस, वी विल फिल दिस विद रेड कलर. हम इसे रेड कलर से फिल करेंगे बिकॉज ग्लास जार को हम वापस यूज कर सकते हैं. वो जैसा होता है हम उसे वैसे ही रीयूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज टी
टी-शर्ट्स, टी-शर्ट्स आप लोगों ने देखे हैं, क्लोथ्स, टी-शर्ट्स, ऑल वी विल यूज, हम सब यूज करते हैं. सो ऑल द क्लोथ्स एंड टी-शर्ट्स आर रीयूजेबल, हम उसे एज इट इज वापस यूज करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, टी-शर्ट और कपड़े जो है वो कभी नष्ट नहीं होते, उसे हम क्या करते हैं, एज इट इज रीयूज कर सकते हैं. सो टी-शर्ट्स आर ऑल्सो रीयूजेबल. यू कैन फिल दिस विद रेड कलर, आप इसे रेड कलर से फिल करेंगे, बिकॉज टी-शर्ट्स एंड ऑल द क्लोथ्स आर रीयूजेबल. द नेक्स्ट वन इज वेस्ट पेपर. वेस्ट पेपर जो है वो क्या है, वेस्ट पेपर को हम एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते, तो वेस्ट पेपर को हम वापस रिसाइकलिंग करके, एक प्रोसेस के थ्रू रिसाइकलिंग करके वेस्ट पेपर से हम नए पेपर्स बना सकते हैं. सो इट इज रिसाइकलेबल. यू विल फिल दिस विद ब्लू कलर, आप इसे ब्लू कलर से इस सर्कल को फिल करेंगे, बिकॉज वेस्ट पेपर इज रिसाइकलेबल. इससे क्या होता है, हम इसे एक प्रोसेस के थ्रू नया बना सकते हैं. Next, the next one is dripping cap. Dripping cap तो सबने दिखाया है, हमारे जो घरों में नल होता है उससे क्या होता है, वाटर ड्रिप होता रहता है. ड्रिपिंग कैप से जो वाटर ड्रिप होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम बकेट में स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं. ड्रिपिंग कैप से जो वाटर ड्रिप हो रहा है उसे हम एक वाटर बकेट को नीचे रखकर उसे वाटर फिल कर उस वाटर को हम री यूज कर सकते हैं. सो इट इज रीयूजेबल. You will fill this with red color. आपको इसे red color से fill करना है. The next one is newspaper. Newspapers आप सबके घरों में आते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, देखते भी हैं. Newspaper क्या है, reused होता है, reuse होता है या recycling होता है. जो newspaper है उसे भी हम एक प्रोसेस के थ्रू न्यू पेपर बना सकते हैं. न्यूज पेपर इज ऑल्सो रिसाइकलेबल. यू विल फिल दिस ब्लू कलर, इसे भी आप क्या करेंगे, ब्लू कलर से फिल करेंगे. इसे क्या करेंगे आप, ब्लू कलर से फिल करेंगे. देन द नेक्स्ट थिंग इज प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स आपने यूज किए होंगे, देखे होंगे, काफी जगह पर हमको मिलते हैं, लेकिन आजकल राइट नाउ प्लास्टिक बैग्स आर बैन्ड. सो डोंट यूज दीज प्लास्टिक बैग्स, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड फॉर आवर एनवायरनमेंट. प्लास्टिक बैग्स जो क्या है, वो प्लास्टिक बैग्स क्या है, वन टाइम यूज होते हैं, उन्हें यूज करके हम थ्रो कर देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल. सो प्लास्टिक बैग्स आर ऑल्सो रिड्यूस थिंग्स, वो वापस यूज नहीं होते हैं, ना एज इट इज यूज होते हैं, ना ही रिसाइकल करके नई चीज बनाई जा सकती है. इट इज रिड्यूस. यू विल फिल दिस विद ग्रीन कलर, आप क्या करेंगे इसे ग्रीन कलर से सर्कल को फिल करेंगे. देन द लास्ट वन इज प्लास्टिक वेस्ट. हम लोग प्लास्टिक ग्लासेस यूज करते हैं, प्लास्टिक और भी काफी चीजें होती है, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं जिनमें काफी फूड आइटम्स आते हैं, ड्रिंक्स आते हैं, और काफी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम यूज करते हैं प्लास्टिक की, बट ऑल दीज थिंग्स आर वन टाइम यूज, सो इट इज ऑल्सो रिड्यूस थिंग्स. हम इसे वापस ना ही रीयूज कर सकते हैं, ना ही हमें करना चाहिए, और इसे हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते. रिसाइकिल करके इसे नई चीज भी नहीं बना सकते. इट इज रिड्यूस. यू हैव टू फिल दिस विद ग्रीन कलर, आपको क्या करना है, इसे भी ग्रीन कलर से फिल करना है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल ऑल दीज सर्कल्स इन योर जीके बुक एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स अबाउट रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूजेबल. एंड अपार्ट all these things in a block, reuse, reduce or recyclable and learn them. Thank you.